उमेश पाल हत्याकांड का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 32 सेकंड्स इसकी अवधि है और उमेश पाल के घर की गली का है ये सीसीटीवी फुटेज। इसमें जख्मी उमेश पाल शूटर से जूझते नजर आ रहे हैं। जान बचाने के लिए गली में भाग रहे उमेश पाल, जैसा कि आप देख सकते हैं, और गनर राघवेंद्र को भी आप देख सकते हैं। पहले आप उमेश पाल को देखिए जूझते हुए असद से। किसी तरीके से गली के अंदर दाखिल होते हैं उमेश पाल। गोली लग चुकी है, एक बच्ची भी भागती दिखाई दे रही है, वो भी उनके घर की है। उमेश पाल को आप देखिए 7 गोलियां मारी गई हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। और ये पुलिसकर्मी आप देखिए जान बचाते हुए पुलिसकर्मी को, जिस पर गुड्डू मुस्लिम ने बाद में बम से हमला किया और वो हमला भी बम का आप देख सकते हैं। अब आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, कुल 6 तस्वीरें हैं इस सारे हत्याकांड के। जो फुटेज, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सब इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। वो जो सबसे ताजा वीडियो 32 सेकंड्स का सामने आया है, वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन बाहर सड़क पर जब फायरिंग शुरू हुई, जब उमेश पाल अपनी गाड़ी से व्हाइट क्रेटा से घर पहुंचे, गली के बाहर पहुंचे, उस वक्त जो फायरिंग हुई उसकी भी 3 तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। और ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस हैं और 24 फरवरी की उस शाम की हैं जब उन पर गोलियां बरसाई गई और उनकी हत्या की गई। तो ये 6 तस्वीरें उमेश पाल हत्याकांड की 6 तस्वीरें हैं और इसमें बिल्कुल साफ है हत्या की, उन पर गोलियां बरसाने की और हथियारों से उनके संघर्ष की एक एक तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं। और कुछ तस्वीरें बिल्कुल ताजा हैं, वो सीसीटीवी फुटेज 32 सेकंड्स का फुटेज जो उस गली के भीतर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसका है, वो सबसे ताजा है और आपकी स्क्रीन पर ऊपर रखा गया है। उसमें आप देख सकते हैं हथियारों से संघर्ष को, हथियारों के गोली बरसाने को, भागकर गली में दाखिल होने को और गली में जो घर का दरवाजा है उसके भीतर जाने को। और इसी बीच में जो गनर राघवेंद्र है वो भागकर कैसे अपनी जान बचा रहा है और उस पर कैसे बम से हमला किया गया है वो भी आप देख पा रहे हैं। तो कुल जो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, 6 तस्वीरें, उससे 24 फरवरी की शाम के हत्याकांड को और आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो उमेश पाल हत्याकांड में अब तक की पड़ताल में यूपी पुलिस को जो राज हासिल हुए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। इस हत्याकांड में अतीक एंड फैमिली का हाथ साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अब इस मामले में एक सफेदपोश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हालांकि अब तक उस सफेदपोश की तस्वीर धुंधली है, मतलब साफ है कि अतीक अहमद ने उमेश हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हर लेयर पर बेजोड़ प्लानिंग की। प्रयाग कांड में सबसे बड़ा खुलासा, अतीक का सफेदपोश करेक्शन। प्रयागराज की सड़कों पर सरेआम खूनी खेल की ये वारदात तो आपको याद ही होगी। 19 दिन पहले यानी 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड ने प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश को हिलाकर रख दिया था। 47 सेकंड में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। समझना मुश्किल नहीं है कि वारदात की प्लानिंग कितनी बेजोड़ थी और इन सब के पीछे एक ही शख्स का दिमाग काम कर रहा था जिसका नाम है बाहुबली अतीक अहमद। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक एक से बढ़कर एक खुलासे हुए हैं, लेकिन इस केस का कनेक्शन अब सफेदपोश तक पहुंच रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये कि एक सफेदपोश के संपर्क में था माफिया अतीक अहमद। इनकाउंटर के बाद माफिया अतीक अहमद ने सफेदपोश से मदद की भीख मांगी थी। फेस टाइम पर अतीक अहमद ने कई बार संपर्क की कोशिश की थी। फेस टाइम पर बात नहीं होने पर अतीक अहमद ने नॉर्मल कॉल भी किया था। नॉर्मल कॉल पर सफेदपोश से अतीक की कई बार बातचीत हुई थी। अतीक की आवाज सुनते ही नेता ने फोन काट दिया था। एसटीएफ को प्रयागराज से जुड़े 3 नेताओं पर शक। उमेश पाल हत्याकांड में ईडी की भी एंट्री होने जा रही है। ईडी के जरिए अतीक के आर्थिक साम्राज्य पर शिकंजा कसने की तैयारी है।
हालांकि अतीक के खिलाफ पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। करीब 15 महीने पहले हुई एक कार्रवाई को छोड़कर ईडी ने अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। अतीक और उसके परिवार के साथ ही करीबियों पर शिकंजा कसने की रणनीति तय करने के लिए ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर जितेंद्र सिंह प्रयागराज पहुंच भी चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने प्रयागराज और लखनऊ समेत आधा दर्जन शहरों में अतीक की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों का पता लगाया है। ईडी की टीम अब जो है अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर चोट करने की तैयारी में है। ईडी की टीम ने अपने होमवर्क में प्रयागराज, कौशाम्बी और लखनऊ समेत तकरीबन आधा दर्जन जिलों में अतीक अहमद की 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को चिन्हित भी किया है। इन संपत्तियों को जल्द ही जब्त भी किया जाएगा। इसके साथ साथ ईडी की टीम गुजरात से प्रयागराज लाकर अतीक अहमद से पूछताछ करने की तैयारी में भी है। हालांकि उसमें तमाम कानूनी पेचीदगियाँ हैं, उन पेचीदगियों को सुलझाने के बाद ही ईडी की टीम अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाकर पूछताछ कर सकती है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस के बाद ईडी की टीम अब माफिया अतीक अहमद के केस में एक्टिव होने जा रही है। अतीक अहमद पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। खबर है कि उमेश पाल शूटआउट केस में अगर अतीक का बेटा असद और पत्नी शाइस्ता परवीन समेत वारदात में शामिल शूटर जल्द गिरफ्तार नहीं होते तो ईडी के जरिए अतीक को गुजरात से यूपी लाए जाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि इसके लिए ईडी को पहले कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की अब तक की तफ्तीश यही कहती है कि गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद के इशारों पर ही प्रयागराज में गोलीकांड को अंजाम दिया गया और उमेश पाल की हत्या की गई। जेल से ही अतीक अहमद ने पूरी प्लानिंग की थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अतीक ने अपने भाई और अपने खासम खास गुर्गों की मदद ली थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 19 दिन बीत जाने के बाद भी शूटआउट को अंजाम देने वाले शूटर अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक बड़ी खबर है, जौनपुर में इनामी बदमाश आनंद सागर मुठभेड़ में ढेर हो गया है। मध्य प्रदेश में 15 लाख की डकैती का आरोप था आनंद प्रकाश पर और मध्य प्रदेश पुलिस ने आनंद सागर पर इनाम रखा था। जौनपुर, वाराणसी और आजमगढ़ की वारदात में शामिल था आनंद प्रकाश। सुभाष यादव गैंग का बदमाश था आनंद सागर और मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। इनाम भी रखा था मध्य प्रदेश पुलिस ने आनंद सागर। सुभाष यादव गैंग का मेंबर था, इनामी बदमाश आनंद सागर ढेर कर दिया गया है। जौनपुर से बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश पुलिस ने इनाम रखा था और 15 लाख की डकैती का आरोपी था आनंद सागर। जौनपुर में इसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जौनपुर से। मैं दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और थाना बक्सा क्षेत्र में आज सुबह एक पुलिस के साथ में जो बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि एक बदमाश जो घायल हुआ, उसके बाद जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे उसको डेड डिक्लेयर किया गया। तो उसमें इन सभी बदमाशों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और जो दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं। इनके ऊपर हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती, इस तरह के संगीन अपराध दर्ज हैं। बाकी डिटेल जानकारी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी जाएगी। एक और बड़ी अपडेट एटा से है, वहां पर झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से मासूम की मौत का आरोप है। एटा के अलीगंज में 2 महीने के मासूम की मौत का मामला सामने आया है। ऑपरेशन के दौरान पैर की नस कटने से हुई मौत बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच में लग गई है। एटा से अपडेट, अलीगंज में 2 महीने के मासूम की मौत की खबर। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। ऑपरेशन के दौरान पैर की नस कटने से मौत की बात सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया का समाज में बड़ा प्रभाव हो चुका है। सोशल प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज या ट्वीट सिस्टम को हिला देता है, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक बदमाश ने ऐसा किया कि पूरा परिवार ही तबाह हो गया। एक वीडियो ने 3 लोगों की एक झटके में जान ले ली।
चारों तरफ गांव में चीख पुकार मची है। जंगल में बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती है। पूरे गांव की आंखों में हजारों सवाल है। हर कोई सन्न है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर चित्रकूट के सिमरदहा गांव में हुआ क्या है, ऐसी कौन सी घटना घट गई कि पूरा सिमरदहा गांव सिसकियां भर रहा है। दरअसल चित्रकूट के इस गांव में एक पिता नहीं अपनी 21 साल की बेटी और पत्नी के सीने में अपने ही बंदूक से गोलियां उतार दी हैं। गुस्से की गोली ने इस कदर दोनों का सीना छलनी किया कि दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद गोली मारने वाले पिता ने खुद भी जंगल में फांसी के फंदे से झूलकर मौत को गले लगा लिया। वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक लड़की अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो इंस्टाग्राम में अपलोड करती थी, जिसको देखने के बाद उसका पिता आवेश में आ गया और पिता ने अपनी लाइसेंसी दोनाली बंदूक से बेटी पर फायर झोंक दिया। इस बीच बचाव के दौरान पत्नी के गोली लग गई और पत्नी की मौके पे ही मौत हो गई, तो वहीं लड़की को जिला अस्पताल लाते वक्त मौत हो गई, जिसके बाद आवेश में आके पिता ने खुद को फांसी के फंदे में झूल करके पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। दरअसल 21 साल की एक बेटी नलिहाल में रहकर पढ़ाई लिखाई करती थी। बताया जा रहा है कि उसी गांव के एक युवक से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस युवक ने इस लड़की की मोहब्बत का मजाक बना दिया और उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस बात से आहत लड़की ने 3 दिन पहले भी जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। किसी तरह से उसे इलाज कराकर बचाया गया था, लेकिन बदमाशों ने अश्लील वीडियो का लिंक लड़की के पिता के मोबाइल पर भेज दिया, जिसके बाद पिता की आंखों में खून उतर आया और उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से बेटी और पत्नी को मौत के घाट उतार दी। जब इंस्टाग्राम में ये अश्लील वीडियो हुई तो उसके बाद हमारी बहन ने जो है जहर खाया, इस चीज़ का हम लोगों को पता नहीं था। उसके बाद उन्होंने उसका इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद फिर उसको घर ले गए। 2 ही दिन हुए थे घर आए हुए, उसके बाद जो है उन्होंने डिप्रेशन में आकर ऐसी घटना किया, क्योंकि घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। 2 हमारे भाई थे जो है वो लोग थे, तो दरवाज़ा चूँकि अंदर से बंद हो गया था, जो नॉर्मल तरीके से बात किया था, आक्रोशित नहीं थे, लेकिन घटना को अंजाम ऐसे दे दिया। हत्यारे पिता की तलाश पुलिस की 3 टीमें कर ही रही थी, उसने गांव के पास पिपरहू जंगल में फांसी के फंदे पर लटक कर मौत को गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर जो गैर जिम्मेदार, गैर वाजिब और उच्छृंखल गतिविधियां हैं, उसके भयंकर परिणाम के रूप में ये घटना सामने आई है, जिसमें केवल सामाजिक मर्यादाओं को तार तार होने के नाते आहत होकर जो है एक पिता के द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और दोषियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जाहिर है सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदार, गैर वाजिब गतिविधियों ने पूरे परिवार की खुशियों का गला घोट दिया। सवाल है कि इतनी बड़ी घटना का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, वो पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खबर बस्ती से है। वहां पर देखते ही देखते ऐसा बवाल मचा कि लोग सन्न रह गए, पूरा इलाका थर्रा उठा। गनीमत यह रही कि फायरिंग में किसी की जान नहीं गई। 2 युवक गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दबोचने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ सरेआम सड़क पर चल रहा है। इसी दौरान गोली भी चलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों युवक बीच सड़क पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। दरअसल पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के सोनहट्टी बुजुर्ग गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जिसने भी इस गोलीकांड को देखा वो दंग रह गया, लेकिन जब लोगों ने घटना का कारण जाना तो सब अवाक रह गए।
क्योंकि घटना में चलाई गई गोली महज भौकाल के चक्कर में हुई। जो युवक लाल शर्ट पहने हुए हैं वो अपनी गाड़ी से आ रहा था, तभी पीछे सफेद शर्ट वाला युवक साइड लेना चाह रहा था, लेकिन युवक ने ध्यान नहीं दिया। बस फिर क्या था, गुस्से से तमतमाए व्यक्ति ने लाल शर्ट पहने युवक की गाड़ी के आगे ओवरटेक करके गाड़ी लगा दी और पहले तो इसने युवक को जमकर कूटा, फिर गोली चला दी। हालांकि युवक की सूझबूझ से गोली किसी को लगी नहीं। जब इस गोलीबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्टिव हुई और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सुबह लगभग 9:30 बजे यह सन्नाटी बुजुर्ग में बच्चों को लेने आए थे, वहां पर सद्दाम हुसैन से वाहन को पास देने को लेकर कहा सुनिए विवाद हुआ, जिस पर राजमणी द्वारा दो फायर अपने लाइसेंसी शस्त्र से किए गए हैं। राजमणी को डिटेन कर लिया गया है, शस्त्र बरामद कर लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है। तो अब सवाल है कि युवक की गाड़ी में पिस्टल क्यों था? पिस्टल रखने के पीछे युवक की मंशा क्या थी? क्या युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? क्या बस्ती में युवक सरेआम तमंचा लेकर घूमते हैं? जाहिर है इन सवालों का जवाब पुलिस और प्रशासन दोनों को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।